आज हो सकती है स्कूलों और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर लगी पाबंदियों को हटाने पर फैसला। एक स्टूडेंट को थप्पड़ मारना टीचर को पड़ गया महंगा। फेसबुक ऐड पर सोच समझकर क्लिक करें वरना लग सकता है चूना। और दिल्ली को राजधानी बने कितने साल हुए, जानेंगे सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली जल बोर्ड के 10 कर्मचारी सस्पेंड, 30 बर्खास्त। दिल्ली जल बोर्ड ने कथित तौर पर गलत मीटर रीडिंग की शिकायत पर 10 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और 20 आउटसोर्स कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ये जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई। इसमें बताया गया कि उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी, जबकि आउटसोर्सिंग एजेंसी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल आउटसोर्सिंग एजेंसी के अंदर काम करने वाले कुछ मीटर रीडर दिल्ली जल बोर्ड उपभोक्ताओं के पानी के मीटर की गलत रीडिंग ले रहे थे, जिसके बाद शिकायत की गई। आदेश में कहा गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने DJB के अध्यक्ष और जल मंत्री सत्येंद्र जैन को निर्देश दिया है कि पूरी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज करेंगे प्रदूषण के मुद्दे पर बड़ी बैठक। गोपाल राय आज सीनियर अधिकारियों के साथ वायु प्रदूषण के मुद्दे पर समीक्षा बैठक करेंगे। मीटिंग में नगर निगम के अधिकारी, दमकल विभाग के अधिकारी, PWD विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली में अगले आदेश तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके साथ ही स्कूलों को भी अगले आदेश तक बंद किया गया है। अभी हाल ही में प्रदूषण में कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर लगी पाबंदियों पर विचार करने का निर्देश दिया है। ऐसे में इस मीटिंग में स्कूलों को खोलने सहित कई पाबंदियों में ढील देने पर विचार किया जा सकता है। रोहिणी कोर्ट ब्लास्ट जांच में आया नया मोड़, पुलिस रडार पर आई संदिग्ध महिला। कोर्ट में लगे करीब 40 CCTV फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को एक संदिग्ध महिला का पता चला है। पुलिस को शक है कि इस महिला का कोर्ट में हुए विस्फोट में संबंध हो सकता है, जिसके बाद अब पुलिस की रडार पर आई संदिग्ध महिला को ट्रेस करने की पुलिस टीम लगातार कोशिश कर रही है। जांच में लगाई गई स्पेशल सेल की टीम ने कोर्ट परिसर में लगे सभी CCTV फुटेज के सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक के सारे फुटेज जब्त किए हैं और उनकी बारीकी से जाँच कर सुराग तलाशने की कोशिश कर रही है। क्लास में छात्रा को थप्पड़ मारना शिक्षिका को पड़ा महंगा। 7 साल पहले क्लास में एक प्रश्न का जवाब ना देने पर छात्रा को थप्पड़ मारने वाली शिक्षिका को एक दिन के लिए कोर्ट का समय खत्म होने तक कैद की सजा दी गई। साथ ही उसे पीड़िता को 30,000 रुपये और राज्य को 8,500 रुपये मुआवजे का भुगतान करना पड़ा। दरअसल मंडावली इलाके के मयूर पब्लिक स्कूल में 6ठी कक्षा की एक छात्रा ने आरोप लगाया था कि 8 सितंबर 2014 को सोशल साइंस की क्लास में प्रश्न का जवाब ना देने पर शिक्षिका शकुंतला नेगी ने उनकी गाल पर कई थप्पड़ मारे थे, साथ ही उनके फ्रेंड को भी पीटा था। कोर्ट ने शिक्षिका को जानबूझकर छात्राओं की पिटाई करने और किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम की धारा 23 के तहत दोषी करार दिया था। NH24 पर अभी नहीं दौड़ सकेंगी गाड़ियां। कृषि कानूनों को लेकर चल रहा किसानों का आंदोलन अब खत्म हो चुका है। आंदोलन के दौरान दिल्ली की सीमाओं से लगती सड़कें बंद थी, जो अब फिर से खुल जाएंगी। हालांकि अभी भी हाईवे पर गाड़ी दौड़ाने में 15 से 20 दिन लग सकते हैं। दरअसल NH24 पर जिस जगह किसान बैठे हुए थे, उस जगह का 1 साल से अधिक समय से निरीक्षण नहीं हो सका है। इसके अलावा फ्लाईओवर पर दरारें भी पड़ गई है, जिन्हें ठीक करना बाकी है। किसानों के चले जाने के बाद सबसे पहले उस इलाके को पुलिस अपने नियंत्रण में लेगी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी व कर्मचारी जांच करेंगे और जो खामियां निकलेंगी उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। सब कुछ ठीक होने के बाद ही गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मेट्रो यात्रियों को अब स्टेशनों पर मिलेंगी खास सुविधाएं। DMRC यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष प्रकार के साइनेज लगाने का काम कर रहा है। यात्रियों को बेहतर सुविधा के लिए एक ही जगह पर सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए DMRC कार्य कर रहा है। DMRC ऐसा साइनेज अपने Phase 1 और Phase 2 मेट्रो स्टेशनों और इंटरचेंज स्टेशनों पर लगा रहा है। विशेष प्रकार के साइनेज लगाने से यात्रियों को दिल्ली मेट्रो से संबंधित जानकारी देने के साथ ही टिकटिंग सिस्टम मैप, फर्स्ट और लास्ट ट्रेन के समय, क्या करें और क्या ना करें, हेल्पलाइन नंबर, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, लॉस्ट एंड फाउंड और बाकी जानकारी लेने में सहायता मिलेगी। फेसबुक पर एक क्लिक से गवाए लाखों रुपए, पूरा मामला डाबड़ी इलाके का है। पीड़ित ने अपने फेसबुक में लोन का विज्ञापन देखा और उसने उस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद जालसाजों ने उस पर 10 लाख रुपए लोन लेने का दबाव डाला और फिर लोन दिलाने का झांसा देकर उसे लाखों रुपए बैंक खाते में डलवा लिए। लोन नहीं मिलने पर जब पीड़ित ने आरोपियों पर पैसा वापस करने का दबाव डाला तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। पीड़ित अब पुलिस में फर्जीवाड़ा की शिकायत कर अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। दिल्ली में अवैध कसीनो का भंडाफोड़, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट और दिल्ली पुलिस के ACP का बेटा गिरफ्तार। मामले में लोकल पुलिस पर भी रिश्वत लेने का इल्जाम लगा है। साउथ दिल्ली पुलिस ने एक बड़े कैसीनो का भंडाफोड़ किया है। इस कैसीनो को 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट चला रहे थे। कैसीनो में दिल्ली पुलिस के ACP के बेटे को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये कैसीनो साउथ एक्सटेंशन के पॉश इलाके M ब्लॉक में चलाया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि कैसीनो को एक पिता पुत्र चला रहे थे और दोनों ही पेशे से CA हैं। पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है।
दो हाई प्रोफाइल एटीएम जालसाज अरेस्ट, 150 लोगों को लगाया है 50 लाख से ज्यादा का चूना। शाहदरा जिले की पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास 155 एटीएम डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। ये एटीएम कार्ड अलग अलग बैंक से जुड़े हुए हैं। गौरतलब है कि दो या तीन लड़के एटीएम बूथ के अंदर या बाहर खड़े होते थे, विशेषकर बिना सुरक्षा गार्ड वाले। निर्दोष लोगों को बहाने से पैसे निकालने के लिए एटीएम में लाते थे। मुश्किल होने पर एटीएम से पैसे निकालने में उनकी मदद करना या मदद का बहाना करते हुए पीड़ितों के एटीएम पिन कोड को याद रखते थे और चुपके से कार्ड को बदल लिया करते थे। भारत की राजधानी बने दिल्ली को पूरा हुआ 120 साल। दरअसल 12 दिसंबर 1911 के दिन कलकत्ता की जगह दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का फैसला किया गया था। अंग्रेज शासकों ने यह महसूस किया कि देश का शासन बेहतर तरीके से चलाने के लिए कोलकाता की जगह यदि दिल्ली को राजधानी बनाया जाए तो ये बेहतर होगा, क्योंकि ये देश के नॉर्थ में है और यहाँ से शासन का संचालन अधिक प्रभावी होगा। दिल्ली कई बार बसी और कई बार उजड़ी। महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ से आज की वर्तमान दिल्ली अपने आप में कई किस्से और कहानियां समेटे हुए हैं, लेकिन ये शहर आज तक गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बना हुआ है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।